हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष मेहता। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है इसराइल कंट्री के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि भाई फार्म वर्कर का क्या सीन है, जनरल हेल्पर का क्या सीन है, स्किल वर्कर, केयर गिवर क्या इस समय चल रहा है, मैन पावर का कैसे क्या सीन है, क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहे, एक वीज़ा क्यों लेट हो रहे, कंडीशन वहाँ सही है कि नहीं, एवरीथिंग हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इसराइल कंट्री के लिए। और सैलरी वगैरह सारा चीज़ें तो पता है कि आपको 4 से 5 हज़ार शेकल मिलती है वहाँ पे, मतलब 1.5 से 2 लाख रुपये। बट रियलिटी क्या है, कैसे क्या, इस पर हम डिस्कस करने वाले लेटेस्ट अपडेट इजराइल के ऊपर है, जो कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा यूट्यूब पे। ये फर्स्ट वीडियो है, सो इसको हम आपके साथ पूरी इंफॉर्मेशन है इसमें शेयर करने वाले। तो इस वीडियो को प्लीज अच्छे से एंड तक देखिएगा, जो भी मेरे भाई इजराइल जाना चाहते थे या हैं या जाने की सोच रहे हैं। ओके, बाकी तब तक आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप को सारे ज्वाइन कर लो, नए और पुराने दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप के ग्रुप्स अवेलेबल हैं, टेलीग्राम के ग्रुप्स और व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों के चैनल्स भी नए वाले और पुराने अवेलेबल हैं, ज्वाइन कर लो। वहां पे सारी वैकेंसीज डेली अपडेट करी जा रही हैं, डेली पोस्ट हो रही हैं। अगर यूट्यूब पे वीडियो नहीं आता बट वहां पे वैकेंसी जरूर आती है, ठीक है जी, वो आप चेकआउट कर लीजिए, आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही में आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर लो, स्क्रीन पे दिख रहा है आयुष मेहता नाम से आईडी है, सारे ग्रुप सारा चीज़ें आयुष मेहता नाम से अवेलेबल है, ठीक है जी। बाकी अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक पे, हम आते हैं इसराइल, फार्म जॉब्स इन इसराइल या हेल्पर जॉब्स, स्किल जॉब, कंस्ट्रक्शन, केयर गिवर। काफ़ी लोगों ने डॉक्यूमेंट्स जगह जगह दिए हुए हैं, हर मैन पावर को जगह जगह इसराइल के लिए प्रोसेस करने के लिए दिया है। सैलरी 4,000 से 5,000 शेकेल, यानी कि वही 1.5 से 2 लाख रुपये। अकोमोडेशन कंपनी का, अकोमोडेशन कंपनी देगी, किचन फैसिलिटी देगी, ट्रांसपोर्ट मेडिकल देगी, खाना अपना बनाना है, 8 घंटे 6 दिन ड्यूटी है, ऐसे ही है। अब अच्छा पैसा कमा सकते हो, आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, पीएफ कटेगा, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, यही चल रहा था हर जगह। अभी इसराइल की कंडीशन ज़्यादा सही नहीं है, तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि आप इसराइल के लिए प्रोसेस करें। पहली चीज़, वीज़े नहीं आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहे, ऑफर लेटर नहीं आ रहे हैं, फ्लाइट्स नहीं हो रही हैं इसराइल की। वीज़े सिर्फ उनके अप्रूव हुए जो बहुत पहले अप्लाई किए थे, टाइम बहुत लग रहा है। इवन जो गवर्नमेंट है या मैन पावर एजेंसी इंडिया की है या इसराइल में जो एजेंसीज हैं वो भी बहुत टाइम ले रही हैं, तो प्रोसेस बहुत ही स्लो हो चुका है। तो ये भी कह सकते हैं अच्छा भी है, कह सकते हैं वर्स्ट भी है, दोनों चीज़ें आप इसमें आप कह सकते हो। ओके, बाकी जो जो भाइयों ने अप्लाई किया है, अब बड़ी बड़ी मैन पावर एजेंसीज ने इसराइल के डॉक्यूमेंट्स वापस देना शुरू कर दिए। देखिए, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके तो डॉक्यूमेंट्स, सबके पासपोर्ट वापस आ गए, ठीक, पर जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका भी आज के टाइम में लड़के वेट नहीं करना चाह रहे 4 महीने या 3 महीने, तो कैंसिल करके सबके डॉक्यूमेंट्स रिटर्न आना शुरू हो गए हैं। जितनी बड़ी बड़ी मैन पावर एजेंसीज, दिल्ली की हो, आपकी साउथ की हो, बॉम्बे की हो, मुंबई की हो या कहीं के भी हो, बाकी प्लीज़ इसराइल में टाइम लगता है, बात सही है, किसी को भी फालतू के पैसे इसराइल के लिए ना दें। जैसे कि लोगों ने, बहुत सारे एजेंट्स हैं जो 50,000-30,000 अपनी रजिस्ट्रेशन फीस ये वो ले लेते हैं, उससे बच के रहना है। आपने डायरेक्ट मैन पावर के पास जाना है, क्लाइंट इंटरव्यू अटेंड करनी, अपने डॉक्यूमेंट्स देने, वो एक सही प्रोसेस है। और पासपोर्ट क्या है, सबमिट करती है मैन पावर, उसके बाद उनके पास राइट भी है, लाइसेंस भी है, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, अगर प्रोसेस नहीं होता तो आपका पासपोर्ट रिटर्न हो जाता है, जो कि अभी रिटर्न होना शुरू हो चुके। कई कैंडिडेट्स को हमारे पता चला, सब्सक्राइबर को मिल गया कि भाई पासपोर्ट आ गया हमारा सर, ऐसे ऐसे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट रजिस्ट्रेशन फीस या कोई ऐसी फीस नहीं देनी है। अगर प्रोसेसिंग दे रहे हो किसी को 10,000-15,000 कुछ है तो चलो वो एक अलग बात है, ट्रस्ट करते हो, तो अदरवाइज पासपोर्ट डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहा है, दैट्स इट, इट्स सफिशिएंट, ठीक है। बाकी प्लीज जो छोटे मोटे एजेंट्स हैं इनसे आप ना प्रोसेस करवाएं, पंजाब के, आपके गोरखपुर, कोलकाता, जगह जगह के छोटे मोटे एजेंट्स हैं जो कहते हैं आज हमारे इंटरव्यू है, हम इतने में भेज देंगे, ये वो, बच के रहो। सिलीगुड़ी में बड़ा खराब सीन चल रहा है, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, असम, जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, इधर सब्सक्राइबर हमारे रहते हैं। जब मुझे कॉल करके उन्होंने कल बताया कि सर हमसे 7 लाख-8 लाख मांग रहे, इवन गुजरात, अहमदाबाद, सूरत के भी लड़के, उनसे भी वहाँ के जो एजेंट्स हैं वो कह रहे हैं सर 7 लाख में हम कर रहे हैं, हम 8 लाख में केयर गिवर कर रहे हैं। भाई केयर गिवर की तो वैकेंसी ही नहीं है, आप कहाँ से कर रहे हो 8 लाख में इसराइल के लिए। तो प्लीज़ ये सब एजेंट से, ये सब चीज़ों से बच के रहें। 7 से 8 लाख रुपये कहीं पर भी इसराइल के लिए कोई भी मांगता है, आपको नहीं पे करना है, ये वर्थ इट नहीं है दोस्तों। 7 से 8 लाख रुपये गुजरात में भी बहुत सारे एजेंट्स मांग रहे हैं, सिलीगुड़ी में तो रेट आप पता करके देखो, जितनी एजेंसीज वहाँ एजेंट है 7, 8, 9, 10, 6 ऐसे रेट बना के रखा है उन्होंने इसराइल का, और भी फार्म वर्कर सारी पोजीशन उनके पास है, बट स्कैम, झूठ है। मेडिकल का ले लेंगे, ये वो ले लेंगे, नुकसान हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैन पावर के थ्रू करना है। सबसे ज़्यादा वीज़े जो भी अभी तक आए स्किल वर्कर के आए, फिर फार्म वर्कर का बहुत पहले वीज़े आए थे, आपको ये बात पता है, उसके बाद फार्म वर्कर के भी जो वीज़े थे वो एकदम वो हो गए थे, डाउन हो गए थे। उसके बाद जनरल हेल्पर कंस्ट्रक्शन के थोड़े बहुत वीज़े आए थे, वो भी अब कम हो चुके हैं। तो भाई अगर आपके पास स्किल है, अगर आप मैसन हो, शटरिंग कारपेंटर, फर्नीचर कारपेंटर, शेल फिक्सर, इलेक्ट्रीशियन, या फिर आप कुछ डिफरेंट स्किल आपके पास है
तो आपके चांस पूरे हैं, अगर आपको अच्छे से काम आता है, थोड़ी सी इंग्लिश आती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी 30-40%, अगर ट्रेड सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है। तो इन लोगों के लिए मैन पावर्स ने पहले रेट रखे थे 1.5-2 लाख रुपए, जो कि बहुत ही अच्छा और जेन्युइन रेट है। टिकट अपनी कराओ जो कि सैलरी में रिटर्न मिल जाती है, वहां का रूल है इसराइल का भाई, 35,000 की टिकट है, रिटर्न मिल जाएगी आपको आपकी सैलरी में ऐड होके। अगर सैलरी 1.50 है तो 185 मिल जाएगी, ठीक है। तो बढ़िया था कि भाई 1.5 लाख में इसराइल पहुंच जाते थे 2 लाख में। आज जो लाइक बड़ी बड़ी मैन पावर एजेंसी डायनेमिक हो या कोई भी हो, उनके रेट्स भी बहुत हाई हो गए हैं काफ़ी, क्योंकि कई लड़कों ने अप्लाई किया, बता रहे सर हम मैसन हैं, 5 साल रिटर्न है गल्फ ये वो, तो हमने 3.80-4.5 दिया हुआ है मैन पावर को, तो मैन पावर ने भी रेट बहुत बढ़ा दिया। पर उनकी भी गलती नहीं है, आगे से रेट्स महंगे हो जाते हैं जब कंट्री जो होती है ना इसराइल हायर करती है, वो डायरेक्ट नहीं हायर करती, उनके भी एजेंट्स होते हैं, उनके भी मतलब मैन पावर्स होती हैं वहाँ पर, उनके थ्रू वो लोग हायर करते हैं, रिक्रूट करते हैं, तो वो भी चार्ज करते हैं, तो महंगा तो है। बाकी कई लोगों के अब क्वेश्चन थे कि भाई क्या हम फ्री में भी जा सकते हैं। मेरा एक दोस्त है नेपाली है, इसराइल में काम करता है, ऑलमोस्ट हो गए होंगे 5 साल, ठीक है, 2019 में गया था वो बंदा, ठीक है। तो मेरे दोस्त से बात हुई थी जो नेपाली है जो वहाँ पर रहता है इसराइल में, उसने बताया था कि नहीं सर फ्री में आना इतना ईजी आज के टाइम में नहीं है, पहले थोड़ा बहुत था, पर आप ट्राई कर सकते हो, जो कंपनी यहाँ पे अगर उनसे भी बात करेंगे ना थोड़ा बहुत वो लोग भी चार्ज करते हैं इसराइल में, ठीक है, तब भी आपका खर्चा वही 1-1.5 लाख तक तो आ ही जाएगा कम से कम, ठीक है। पर आप ट्राई करना चाहो तो डायरेक्ट भी ट्राई कर सकते हो दोस्तों, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी इसराइल उतना सेफ नहीं है राइट नाउ मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीज़े आने वाले आ भी रहे हैं लेकिन बहुत अटके और रुके वीज़े आ रहे हैं, वो बल्क में जो काम था या जो क्लाइंट इंटरव्यूज हो रहे थे वो इसराइल का अब नहीं है, फ्लो टूट चुका है पूरी तरीके से। तो फ्यूचर में कुछ अगर अपडेट होगी, नई वैकेंसी, कोई मैन पावर इंटरव्यू होंगे तो आप खुद अपडेट लेते ही हो हर जगह से, बाकी मैं भी ट्राई करूंगा कि आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है जी। बाकी जो रेट्स जेन्युइन है, आप बात करते हैं रेट्स, देखिए अगर आप जा रहे हैं किसी के थ्रू, हम तो नहीं कर रहे हैं, बट आप जिस किसी मैन पावर के थ्रू जाते हो इसराइल के लिए, फार्म वर्कर में कर रहे हो तो थोड़ा बच के रहो, स्कैम ज़्यादा है। जनरल हेल्पर या स्किल में जा रहे हो तो 2-1.5 लाख रुपये अगर मैन पावर एजेंसीज ले रही है तो बहुत बेटर। बट ये जो कोलकाता वाले, ये गोरखपुर वाले, बिहार वाले जो एजेंट्स हैं, या फिर आपके पंजाब के, दिल्ली के, बहुत जगह के हैं छोटे मोटे एजेंट्स, भाई इनसे बच के रहो, ये झूठा झूठा इंटरव्यू करवाते हैं, क्लाइंट इंटरव्यू झूठा। हमारे कमेंट्स में भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, कह देंगे आज इंटरव्यू है, कल इंटरव्यू, सर आ जाओ नंबर दे दो, भाई इनसे बच के रहना है, अपने ध्यान रखना है, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने और कमेंट करने आते हैं। ये हर जगह मिलेंगे आपको, हर यूट्यूबर के, हर एजेंसी के कमेंट में मिलेंगे, इवन हमारे में भी आते हैं कई सारे हैं, ठीक है। ये ट्राई करते हैं कैंडिडेट खींचने की और उनके साथ स्कैम करने की, फ्रॉड करने की, ये बोलेंगे इंटरव्यू है सर 1.5 लाख रुपये खर्चा, आप चले जाओगे 1.5 लाख सुन के कि इसराइल 1.5 लाख में जा सकता हूँ मैं टिकट के साथ, 5-10 हज़ार ले लेंगे आपसे, खत्म, मेडिकल हुआ नहीं हुआ, फेल कर दिया, डॉक्टरिंग का गए, कमा लिया उन्होंने अच्छा खासा पैसा 50-20 लोग के साथ इस तरह करके, तो बच के रहो। इस तरह एक दो एजेंसी और हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, बट फ्यूचर में एक वीडियो आएगी तो उसके ऊपर मैं अपडेट करूँगा जल्दी, बट अभी ये है कि बहुत सारे एजेंट इस तरह का काम कर रहे हैं और रेट्स बहुत ज़्यादा, गुजरात में 7-8 लाख ले रहे हैं, सिलीगुड़ी में 8-8 लाख ले रहे हैं, बहुत गलत है, क्योंकि क्या नॉर्थ ईस्ट में उतनी एजेंसीज नहीं है, उतना क्रेज़ नहीं है, बट थोड़े थोड़े लोग जाना चाहते हैं, बट वो लोग रेडी है 7-8 पे करने को। मैंने बोला नो ब्रदर, यू डोंट नीड टू पे 7-8 लाख फॉर इसराइल, बिल्कुल भी नहीं। आप मैन पावर के पास आओ, आप दिल्ली आओ, आप बॉम्बे मुंबई आओ, मेन ऑफिस जो मैन पावर हैं 1000+ लाइसेंस वाली एजेंसी, उनके पास आइए, डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, बोलिए सर ये डॉक्यूमेंट्स हैं, हमें मेल आईडी, हम अपना सब कुछ सेव कराइए, कॉन्टैक्ट नंबर आप हमें मेल करें या हमें कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सएप पर, हम इंटरव्यू देने आएंगे, हम ये ट्रेड के हैं या हेल्पर के हैं और हमें इसराइल जाना है, बिल्कुल जेन्युइन रेट पे जा सकते हो, 2-1.5 लाख, 2.5 लाख, डिपेंड करता है मैन पावर पे, जो कि एक सही और सस्ता रेट है, 1.5 लाख रुपये से 2.5 लाख रुपये में अगर जाते हो इसराइल तो परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा रेट के नहीं है दोस्तों, बट काम होना चाहिए, काम ही तो नहीं हो रहा, इंटरव्यू भी करवा देंगे बट ऑफर लेटर या कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहे हैं, आ भी रहे हैं तो 3-4 महीने के बाद आ रहे हैं, उसके बाद वीज़ा अटक जा रहा है, वीज़ा नहीं आ रहे, पहले वर्क परमिट पे लोग जा रहे थे एम्प्लॉयमेंट, अब लोग एंट्री वीज़ा पे भी जाने को रेडी, इसराइल ने कर दिया था भाई एंट्री वीज़ा पे आओ, PCC करा के आओ, PCC वैलिड होनी चाहिए, यहाँ लैंड होगे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया जाएगा, आपका एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, आपको पता है इसराइल का मिनिमम 3 साल मैक्सिमम 5 साल और रिन्यू होता रहता है, और PFAF जो कटा है वो कटेगा, सैलरी 1.5-2 लाख रुपये पर मंथ पूरी बचेगी, और रहना वहना सब खाना सब निकाल के, काम भी हल्का, ड्यूटी भी कम, बट अब रियलिटी अलग है, अभी बहुत हार्ड हो गया इसराइल जाना, तो पहले इसराइल बहुत अच्छा था, आज भी है, लेकिन पहले कह सकते हैं आप अच्छा भी कह सकते हो, वर्स्ट सबसे बेकार भी कह सकते हो, क्योंकि प्रोसेस टाइम इज टू लॉन्ग, इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, सो प्लीज़ आप अपना टाइम बचाएं, पैसा बचाएं,
सोच समझ के इसराइल के लिए प्रोसेस करें। डॉक्यूमेंट्स वापस मिल गए हैं या मिल रहे हैं, ले लो, न्यू अदर कंट्री में ट्राई करो। बाकी इसराइल के पीछे कई लोग हैं दीवाने कि इसराइल ही जाना है सर, तो भाई आप मैन पावर एजेंसी की लिस्ट बना लो कि भाई ये 4-5 एजेंसी अच्छी इंडिया में, ये इसराइल का काम कर रही है, इन्होंने 1000 बंदे भेजे, जैसे डायनेमिक ने भेजा और भी एजेंसी ने भेजा, भाई उनके ऑफिस चक्कर लगाना शुरू कर दो। यही एक मैं रिकमेंडेशन दूंगा अगर अच्छी गवर्नमेंट एजेंसी मैन पावर एजेंसी के थ्रू जाना है बिना पैसा बर्बाद किए, तो ये मेरा रिकमेंडेशन है। कोई भी ऑफिस ये सब रिकमेंडेशन आपको नहीं देगा, हमारा भी ऑफिस है, बट हम इसलिए रिकमेंड हमेशा करते रहते हैं, एक रिकमेंड लाइक एजुकेशन वाली वीडियो लाते रहते हैं, जिससे कि आपको कभी भी आपका पैसा लॉस ना हो, आपके साथ कोई दिक्कत ना हो और आपको सही गाइडेंस भी मिलता रहे। ऐसा नहीं कि आप हमसे काम कराओ तो हम आपको बताएंगे भाई हमारे पास आओ, नहीं, हम हमेशा कई अच्छे अच्छे ऑफिस को रिकमेंड करते हैं, भाई ये मैन पावर है, 1000+ लाइसेंस है, गवर्नमेंट एजेंसी है, 25 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी है, जाओ, ये कोलकाता और पंजाब के इधर उधर के गोरखपुर के इनके फ्रॉड एजेंट से बच के अपना पैसा बचाओ। सब नहीं ऐसे, बट कुछ ऐसे हैं जो लूटते हैं, जो लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, तो प्लीज़ बच के रहें। इसराइल के नाम पे बहुत दिक्कतें होती हैं, लोगों के पैसे बर्बाद हुए, लोगों ने पैसे ख़राब किए हैं अपने, तो प्लीज़ सेव योर मनी। एंड जो एजेंसीज मैन लाइक अपना रजिस्ट्रेशन GST जो भी चार्ज करती हैं 25-35-40,000 रुपये, भाई वो भी आप दे रहे हो तो सोच समझ के दो, क्योंकि रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो उनकी फ़ीस है, या वो GST कार्ड के 5-6,000 आपको देंगे, ये पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें ध्यान रखें कि अगर कोई एजेंसी कहती है सर आपका हुसैन से सिलेक्शन हो ना हो, हम अपने 30,000 रुपये लेंगे, ये हमारी मैन पावर फ़ीस है, हमारी मैन पावर तो कुछ ही लेती है, हमारी ये फ़ीस है, हम प्राइवेट लिमिटेड हैं, ये है वो है, बहुत सारी एजेंसी दिल्ली में, साउथ में, मुंबई में, पंजाब में ऐसी हैं जो ऐसा करती हैं, और भी जगह जगह है, उत्तराखंड में आपको मिल जाएंगे, और भी जगह आपको मिल जाएंगे, इवन सिलीगुड़ी में भी मिल जाएंगे, ठीक है, हर जगह, हर स्टेट की बात करो, हिमाचल, देहरादून, उत्तराखंड, कहीं भी आप जाओगे, यूपी में भी, तो प्लीज़ ये आपको डिसाइड करना है कि आपको उनकी फ़ीस देनी है या फिर आपको प्रोसेस की फ़ीस देनी है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी हो रही हैं, तो आप भाई स्मार्ट हो, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपने पैसे बचाइए और लोगों को भी अवेयर करिए। तो दोस्तों ये वीडियो इसराइल की आज की इसीलिए मैंने बनाई थी कि आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बता सकूं कि भाई सैलरी तो 1.5-2 लाख है, अच्छा फ्यूचर है इसराइल में, सब कुछ है, बट सेफ्टी कितनी है, सेफ्टी अभी थोड़ी सी कम है, अभी दिक्कतें हैं, बट अगर वीज़े आए हैं तो भाई आप जा रहे हो तो अच्छी बात है भाई, हैप्पी एंड सेफ जर्नी आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन, बट अगर आप प्रोसेस करने की सोच रहे हो तो माहौल, सिचुएशन देखो, बजट देखो, ऑफिस देखो और अपना पोजीशन देखो और सैलरी देखो। सैलरी तो अच्छी मिलेगी बट पोजीशन, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ऑफर लेटर नहीं आ रहे, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट आता नहीं है आपका 15-20 पेज का जो आता है इसराइल का पूरा, वो आना कम हो गए, बहुत स्किल के ही आए हुए, वो भी अटके, साइन करके लोगों ने PCC करा के दे दिया, बट वीज़ा का कोई अता पता नहीं है, इवन सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद भी लोगों के कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहे, जिनके कॉन्ट्रैक्ट आए उनके वीज़े नहीं आ रहे, तो ये चीज़ है, बट जिनके वीज़े आए हैं, फ्लाइटें हुई हैं, रुक रुक के हुई हैं, बट हुई हैं, पर अभी वो बात नहीं है जो ग्रुप जा रहा था 500-1000 लोगों का, बट अभी ऑफिसों ने इसराइल का काम कम कर दिया, ना के बराबर रिटर्न कर रहे हैं मैन पावर, देखो ना 1000-1500 डॉक्यूमेंट लेके लोग रिटर्न कर रहे हैं, भाई ये लोग 500 पासपोर्ट 1000 पासपोर्ट रिटर्न हो रहे हैं, नहीं होगा, मना हो रहा है, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, टाइम खराब हो गया, तो मूव टू अनदर कंट्री, अनदर कंट्री भी ट्राई कर सकते हो, आपके ऊपर, ऐसा नहीं कि आपको इसराइल ही जाना, भाई 1 साल बाद ट्राई कर लो, 2 साल बाद ट्राई कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है, तो सारा चीज़ें आपको यहाँ पे चीज़ें बता दी हैं, कुछ जो ऑफिस कर रहे हैं स्कैम, प्लीज़ उनसे बच के रहो यार दोस्तों, इसलिए ये वीडियो को बनाया गया, ये दोस्तों ये 15 मिनट की जो वीडियो बनाई है, 15 से 16 15 से 16 मिनट्स की, ये ऐसे नहीं बनाई है, ये आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, सब चीज़ें पहुँचाने के लिए बनाई है कि भाई रियलिटी पता होनी चाहिए, कोई भी ऑफिस, कोई एजेंसी ऐसा वीडियो नहीं बनाएगा ना यूट्यूब पे अपलोड करेगा, ये हम अपलोड कर रहे हैं इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट ऑन इसराइल राइट नाउ, जो कि कोई आपको बताएगा नहीं, बोलेगा भाई इंटरव्यू यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, भाई रियलिटी देखो कि टाइम भी ख़राब हो रहा है, तो प्लीज़ अपना टाइम, पैसा, हर चीज़ें सेव करें, सेव योर मनी एंड सेव योर टाइम ऑल्सो दोस्तों, प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को अच्छे से समझें, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, स्पेशली शेयर कीजिए, आप लाइक कमेंट नहीं भी करो भी कोई दिक्कत नहीं, बस शेयर जरूर करो कि भाई जो लोग इसराइल जाना चाहते थे, जाना चाहते हैं, ये जाने की सोच रहे हैं इन फ्यूचर, डेफिनेटली आपको वीडियो देखनी चाहिए, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो एज सुन एज पॉसिबल गाइस, ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर स्पेशल एंड प्रीशियस टाइम, एंड अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नई वीडियोस, नई वैकेंसी अपडेट करते रहेंगे, बट ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, कोई इसमें गलत चीज़ें नहीं बताई गई, इसमें सही और अच्छी बातें बताई गई, जिससे आपका पैसा, टाइम बचे, आप सही कंट्री, सही कंसल्टेंसी एजेंसी चूज कर सको फॉर इसराइल, स्पेशली अदर कंट्री के लिए आप खुद ही स्मार्ट हो, इसराइल के लिए धोखा मत खाना दोस्तों, और ज़्यादा पैसे किसी को नहीं देने, ना तो कोई ऐसी रजिस्ट्रेशन फीस 25-30-40,000 देनी है, बाकी आपके ऊपर है, देखो आपका पैसा है, आपको जहाँ देना आप दे सकते हो, हमारा काम है आपको सही चीज़ें बताना, और फेक एजेंट जो कमेंट करते हैं भाई आज इंटरव्यू है,
हमसे करवा लो, सस्ते में हम दे रहे हैं। भाई इनसे तो सबसे पहले आपने दूर हो जाना है, बच जाना है। इनको बोल देना सर आप किसी और को बेवकूफ़ बनाओ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं बनने वाला। ध्यान रखना, हमारे कमेंट में भी आते हैं बहुत सारे ऐसे एजेंट्स, दो कौड़ी के बेकार से एजेंट्स होते हैं जो कहीं उनको फंसते नहीं कस्टमर, तो सोचते भाई यहाँ ट्राई कर लें। बहुत जगह वो लोग आपको मिलेंगे हर यूट्यूबर के कमेंट बॉक्स में, तो उनसे बच के रहना है। बहुत सारे हैं, तो अच्छे एजेंसी और अच्छे ऑफिस के थ्रू जाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, अपना समय देने के लिए। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, जय हिंद।